नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे और आप सभी के चैनल टीम एक्सप्लेन वर्ल्ड में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्रॉम्पटन गैलडेक्स 60 कूलर। तो चलिए अब हम आपको इसकी सारी जानकारी देते हैं हमारे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। सो गाइस, ये रहा हमारा क्रॉम्पटन गैलडेक्स 60 कूलर। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, एक डेजर्ट कूलर है जिसकी प्राइस अराउंड 9000 से लेकर 14000 के बीच में, जो अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग हो सकती है। इसके अलावा देख सकते हैं प्लास्टिक बॉडी कूलर है जिसकी हाइट की बात करें तो 111 सेंटीमीटर की दी गई है, जो इसकी विड्थ 62 सेंटीमीटर के करीब है और जो इसका डेप्थ 42 सेंटीमीटर का दिया गया है। और इसके वेट की बात की जाए तो अराउंड 12.5 से 13 केजीज के करीब करीब होगा, जो कि एक नॉर्मल वेटेड है। जैसा कि आप सभी सामने साइड में देख सकते हैं, इधर दो नॉच दिए गए हैं, जिसमें एक है स्पीड के लिए, जिसमें स्पीड तीन तरीके से दी गई है, लो, मीडियम और हाई। उसके अलावा जो सेकेंड नॉच है वो पंप और स्विंग के लिए दिया गया है। इसके अलावा जो टॉप साइड में देखोगे तो आपको आइस चेंबर दिया गया है, जिसमें आप आइस डाल के इसको और कूल कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी टैंक कैपेसिटी है वो 60 लीटर की दी गई है, और जो इसमें पानी के लिए मोटर यूज़ करी गई है वो एवरलास्ट पंप का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हार्ड वाटर को भी सपोर्ट करता है, जो एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप कुएं या फिर बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा दिया गया है। इसके अलावा जो साइड में है, इसमें हैनीकॉम पैड का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से आपकी जो बाहर की हवा, जैसे आप कहीं रखते हो, तो ये साइड की हवा को अपने अब्जॉर्ब करने में आसानी रहती है। इसमें अंदर गैप्स अच्छी दी गई रहती है। जो पहले की आती थी जो लकड़ियों की रहती थी, जो छाल से बनाई जाती है, खस से बनाई जाती थी, अगर आप उसमें ज़्यादा भर देते थे तो हवा पास नहीं हो पाती थी, जिससे लोगों को तकलीफ होती थी, पर इसमें ऐसा नहीं है। उसके अलावा जो हनीकॉम पैड है वो ज़्यादा समय तक चलता है। नॉर्मली जो खस बनी होती है या फिर जो वुडन की इससे बनाई जाती है, वो थोड़ा सा कम समय में ख़राब हो जाता था, जैसे 2 से 2 साल के अंदर अंदर ख़राब हो जाता है, बट जो हनीकॉम पैड है वो कम से कम 3 से 4 साल आसानी से चल सकता है। इसके अलावा इसे बदलना भी बहुत आसान होता है। जैसा कि आप सभी नीचे साइड में देख सकते हैं, नीचे साइड में पानी डालने के लिए दिया गया है। इसके अलावा ये 4-way एयर डिफ्लेक्शन के साथ आता है, जिसकी वजह से ये सारे रूम को आसानी से ठंडा कर सकता है। मतलब अराउंड 450 square feet के रूम को ये आसानी से ठंडा कर सकता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अच्छे खासा रूम हो सकता है, हॉल हो सकता है आपका, या फिर आप शॉप में यूज़ कर सकते हो। 450 square feet की जगह पर बहुत आसानी से काम करेगा ये। उसके अलावा जो इसकी मोटर है वो हैवी ओवरलोड को झेलने के लिए बनाई गई है, कि अगर आपके इसमें थोड़ा सा ओवरलोड होता है या फ्लक्चुएशन होता है तो उसे आसानी से झेल सकती है और मोटर जल्दी ख़राब नहीं होती। ये भी बहुत अच्छी बात दी गई है इसके अंदर। ओवरऑल बात करें तो बहुत अच्छा कूलर दिया गया है ये। इसमें टोटल 2 मॉडल आते हैं, एक 60 लीटर्स में और एक 90 लीटर्स में। दोनों अलग अलग है, दोनों के साइज़ में फ़र्क है और सिर्फ टैंक कैपेसिटी में फ़र्क है, बाकी जिनके फंक्शन, फैसिलिटी, फीचर्स सब सेम है। अगर आपको ज़्यादा पानी वाला चाहिए तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपको कम पानी यूज़ वाला चाहिए तो आप नॉर्मल घर में यूज़ करते हो, कम चलाते हो, तो उसके लिए भी ये है। तो दोनों मॉडल अलग अलग वे से दिए गए हैं। इसके अलावा इसे ड्राई और हार्ड दोनों क्लाइमेट में यूज़ किया जा सकता है, जो भी बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल देखा जाए तो बजट और इसके हिसाब से बहुत अच्छा पीस दिया गया है। 450 square feet का एरिया कवर करता है, हॉल वॉल सब कवर कर लेता है, तो मेरे ख्याल से इसे खरीदना आसान है। आप इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह से खरीद सकते हैं, जहां से आपकी इच्छा हो। ऑफलाइन में आप जाके उसे देख सकते हो, जान सकते हो उसके कूलर के बारे में, और जानकारी ले सकते हो, सर्विस कैसी है सब पता कर सकते हो आप। सो दैट्स इट। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और हमारी आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।